The main issue was with the data checks. Yes. Okay. Shripriya, have you also written the audit trail? How many of you have written the audit trail? Can quickly just raise your hands and let me know. Very good. Baki sir. Okay. Only Kriti has done. Ma'am, then I couldn't write the main, that only one worksheet that was important. Otherwise, I've written the others. Theek hai. So, those who have done can mail it to me. I'll share my mail ID. Audit trail, I'll check. I'm not checking the spreadsheet work because spreadsheet, I feel ki aap log में सिमिलर किया होगा इफ यू हैव डन समथिंग डिफरेंट लेट मी नो ठीक है वील डिस्कस द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउ यू नो हाउ आई हैव मार्क एंड वेयर यू कैन शेयर योर ऑडिट ट्रेल व्हिच यू हैव रिटन व्हिच एवर पेपर सिंस यू वांटेड मी टू जस्ट यू नो हैव अ लुक हम लोग करेंगे वो भी डिस्कस क्विकली बट उसके पहले लेट्स जस्ट यू नो वी हैव अ सो आई प्लान कि हम आज 2 आवर्स का क्लास रखते हैं जितना भी हो पाए 1.5 2 आवर्स एंड वील क्विकली ट्राई टू फिनिश द स्प्रेडशीट पोर्शन फर्स्ट सो वट वील डू कैन एनी वन श्रीप्रिया कैन यू जस्ट राइट इन ग्रुप ज्वाइन इन सो दैट यू नो अदर्स हु हैवंट कैन ज्वाइन इन जस्ट राइट अ ज्वाइन इन द यस ग्रुप मैम यस या तो सो बेसिकली द थिंग इज नहीं दिस इज माई पेपर आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो डिस्कस कि यहाँ पास कैसे मार्किंग मिलता है सो वी वर डिस्कसिंग 1 पार्ट 2 येस्टरडे ठीक है आउट ऑफ 6 आई गॉट 1.5 एंड आई डिड नॉट शो यू वॉट आई डिड इन माई पेपर आई क्विकली शो इट टू यू ऑल इट वॉज नॉट गुड एट ऑल जस्ट अ वन लाइन बट सी यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देर विल बी अ टाइम क्रंच इन पेपर 1 मुझे मिला है टोटल अगर आप देखो 69.75 इन पेपर 1 वन एग्जामिनर गेव मी 76 वन एग्जामिनर गेव मी 63 सो अगर आप देखो देर इज अप्रोक्सीमेटली मतलब मोर देन 10 मार्क्स का डिफरेंस है 12.5 13 मार्क्स का जो भी है डिफरेंस है सो यू कैन नॉट चैलेंज देम इफ यू आर फेलिंग एंड मे बी आपका जो गैप है मार्कर 1 मार्कर 2 का मोर देन 15 है आप नहीं चैलेंज कर सकते उनको दे नो वेयर एक्सेप्ट द चैलेंज ऑन यू नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मार्कर 1 सो नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट मार्कर 2 हैज गिवन 76 वन मार्कर हैज गिवन 63.5 तो टोटल मेरा इतना कम हो गया एज एन आई ऑल्दो पास द एग्जाम 58 वॉज द पासिंग इन दिस पेपर बिकॉज दिस पेपर वॉज अ लिटिल ट्रिकी ऑफ पेपर यूजली इट्स समवेयर अराउंड 60 आई पास द पेपर एंड ऑनेस्टली पेपर 1 में मुझे मिला है 69.5 बट इफ यू ऑल सी कि पेपर 2 में मुझे कितना मिला है पेपर 2 में मुझे मिला है 67.75 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बट द थिंग इज कि पेपर 2 में बहुत ज्यादा नहीं मिला इवन दो पेपर 2 इज कंसिडर्ड टू बी इजियर एंड इसका पेपर 2 इजी था स्टिल आई डिड नॉट गेट दैट मच मार्क्स द रीजन बीइंग दैट समरी राइटिंग इज डिफिकल्ट राइट ऑडिट ट्रेल इज वेरी इजी सो आई विल यू नो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि आप लोग प्लीज यू नो जितना हो सके ऑडिट ट्रेल पे ज्यादा समरी पे भी बहुत फोकस करना है हमें बिकॉज वहां मार्क्स कम मिलता है तो हमें ज्यादा फोकस करना है बट प्लीज स्टार्ट टाइपिंग आई फील देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर ओनली टाइपिंग आई थिंक अदर्स आई डोंट नो पलक आई थिंक आई हैव नॉट सीन योर पेपर ध्रुवी आई थिंक आई सॉ वन पेपर तो मतलब जब तक आप लोग टाइप करना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा एंड सिंस नाउ एग्जाम्स आर जस्ट लाइक 1.5 months away. So at least try to type like 7-8 papers minimum audit trail and summary
दिस विल डोंट ओनली फोकस ऑन द स्प्रेडशीट बिकॉज एज आई मेंशन स्प्रेडशीट से आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना आपको ऑडिट ट्रेल से मिल सकता है. राइट, स्प्रेडशीट कैन बी समथिंग विच यू यू मे नॉट अंडरस्टैंड. जैसा मैंने दिखाया कि यहाँ पे जो हम लोगों के साथ हुआ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. राइट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो ठीक है, लेट्स जस्ट क्विकली. एम आई ऑडिबल? इज लाइक आर यू ऑल गेटिंग सर्स वॉइस? Because he's taking class in another room. So are you getting his voice or it's clear, like whatever I'm saying? A very faded noise, but it's clear, ma'am. It's clear, ma'am. Okay, then it's fine. Because I'm getting full, ekdam bahut tez aa raha unka awaaz idhar. To chalo. ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था. आई शो यू व्हाट, इफ यू ऑल रिमेम्बर यस्टरडे हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज माय सॉल्यूशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस फन वैल्यू कैलकुलेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल हियर. ठीक है, वी टुक 5% एज द टॉलरेंस लेवल की 5% से नीचे होगा. सो वी टेक द फन वैल्यू विच इज गिवन टू अस एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 5% देन वी टेक द फन वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, और अगर ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने देखा है कि मोर लाइक वेरी अलॉट ऑफ पॉलिसीज लाइक मोर देन अप्रोक्सीमेटली 58% पॉलिसीज आर विद इन 5% टॉलरेंस. तो इतना चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट बाकी इतनी पॉलिसीज के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा. नाउ इससे आपको एक चीज बहुत क्लियर है कि इसके आगे का जो सारा आंसर्स है विल नॉट मैच ऑब्वियसली, बिकॉज हो सकता है आप कुछ अलग टॉलरेंस लो, हो सकता है आप कंप्लीटली अलग फॉर्मूला यूज करो, बट इट इज फाइन. दे ओनली वॉन्ट टू सी द मेथड कि आपने क्या अप्रोच यूज करा है. सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई डिड इन माय पेपर. सो ये मैंने पॉलिसी डेटा करेक्शन का डिस्कस किया था. नाउ दिस इज वॉट आई डिड फॉर द फंड वैल्यू. सो फंड वैल्यू वैलिडेशन में मैंने देखो, सो दिस इज गिवन पॉलिसी ईयर मैंने निकाल लिया इधर यूजिंग ईयर का फंक्शन, एंड देन मैंने इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाला कि 2004. देखो इस टेबल का कॉलम 4 लिया मैंने. सो बेसिकली इस टेबल का कॉलम 4, दिस क्यूमुलेटिव बेसिकली 1991 में अगर कोई पॉलिसी हम ले रहे हैं तो 1991 से लेके पूरा 2019 के एंड तक का आपका क्या क्यूमुलेटिव रिटर्न, एंड दिस इज लाइक फुल ईयर्स का, नॉट हाफ ईयर. मिड ईयर का कुछ अजम्पशन नहीं है. 1+i होल टू द पावर 1+16% जो भी है टू द पावर पूरा एंड ऑफ 2019. तो नहीं, सॉरी, दिस इज ओनली फॉर 1 ईयर. सो 1.1+16% फॉर 1 ईयर, देन दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो पूरे पूरे साल का है, मतलब दिस इज नॉट मिडवे. कल हमने एक जो और कॉलम बनाया उसमें हमने मिडवे वाला चीज कंज्यूम किया था. So what I did is I straight away extracted that using VLOOKUP function. Then this is the valuation year 2019. Again, I using the last valuation date ka year function. And then the fund value I calculated very, very simply. I took 540. Dekh lo. This minus this ki kitne saal aapko accumulate karane. So for example, here it will be 15,000 years. Oh, sorry, 15 years, sorry, 15 years. And then I took this 1+i cumulative wala form, value and 0.5. So this 0.5 is for the middle of the year ka assumption. So maine investment return mein kahin kuch adjustment nahi kiya. I just took the cumulative value. So what I thought of ki 540 agar pure har saal mil raha hai, to hum middle of the year ka assumption karenge, to 540 ka हाफ कर देंगे एंड देन 1+i टू द पावर n, मतलब जो भी आपका क्यूमुलेटिव वाला फिगर है विच इज दिस h5. सो दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक अजम्पशन. आई डिड नॉट इवन कंसिडर कि अगर कोई पॉलिसी नवम्बर 2004 में मिल रहा है तो उसके लिए पूरे साल हम लोग को 540 नहीं मिलेगा. वी आर जस्ट गेटिंग 2 मंथ्स का प्रीमियम, राइट?
बट आई डिड नॉट कंसिडर दैट, आई जस्ट टुक दिस. एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो, दिस इज लिंक्ड टू द करेक्टेड डेटा. तो जो ये पॉलिसी डेटा है C8, आई थिंक आई डिड इट ऑन द पॉलिसी डेटा इटसेल्फ, आई डिड नॉट इवन चेंज. समझ आ जाएगा, इधर एक मिस्टेक था ना योर में. सो आई थिंक आई डिड नॉट इवन टेक द करेक्ट डेटा, आई शुड हैव टेकन पॉलिसी डेटा करेक्शन से. ये वाला 34, लेट मी चेक. 34 देखो, नहीं इधर भी हार्ड कोड कर दिए. हाँ, मैंने इधर भी हार्ड कोड कर दिए. नहीं, आई टुक दिस 2010 ओवर हियर, बट यहाँ पे आई हैव टेकन इट 1990 ओनली. दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग. मे बी आई डिड नॉट टेक द करेक्ट. 1910 है, सो आई डोंट नो व्हाई. मतलब यहाँ 1910 है एंड यहाँ मैंने इसको 2010 करा और यहाँ मैंने 1990 ले लिया है. सो अगेन दिस इज अवर मिस्टेक. मे बी ये मिस्टेक की वजह से भी मार्क्स डिडक्ट हुआ होगा फॉर श्योर, कि मैंने करेक्ट डेटा नहीं लिंक करा. आई शुड हैव लिंक्ड द डेटा टू दिस शीट, पॉलिसी डेटा करेक्शंस. ठीक है, अभी दिस इज आई एम रियलाइजिंग राइट नाउ. तो फंड वैल्यू हम मैंने इतना सिंपलिस्टिक निकाला जबकि इन्होंने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया. सो सी दिस इज, सो जस्ट द एम ऑफ यू नो शोइंग यू ऑल दिस इज दैट कि आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ में एग्जाम में, प्लीज एटलीस्ट डू समथिंग. आई डोंट नो, समवन मैसेज्ड मी, आई डोंट रिमेम्बर, कि मैम मेरा फंड वैल्यू के मतलब ये डेटा करेक्शन के बाद हो ही नहीं रहा. तो इट्स फाइन, अब जो भी आपको समझ आ रहा है आप करो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे गलत हो सही हो, वो फर्क ही नहीं पड़ता यार एग्जाम में. आप ऑडिट ट्रेल आपको लिखना है. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड. यू हैव नाउ सीन द डिफरेंस बिटवीन दिस आंसर एंड व्हाट आई हैव डन. हेल एंड हेवन ऑफ डिफरेंस, बट आई क्लियर द एग्जाम राइट. यस, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट 0.5 वाला अजम्पशन in the figures. It will, this is something again, which is not easy to strike. Again, see, if you are not taking the 0.5 wala assumption, might again deduct 1.51 mark, not more than that. Ab isse zyada kya deduct karenge? 6 mein ek jan ne 1.5 diya, usse zyada to nahi deduct karenge na. Aapko is pure sheet ka kuch to marks denge. Aapne ye calculations kar, aapne final, aapne tolerance kiya, to kuch to marks milega hi. 6 mein 1.52 to milega hi. क्योंकि मैम मेरा अप्रोच भी इनिशियली यही था कि हाँ एक ही कॉलम में करके सारा, पॉइंट फाइव वाला चीज तो आया ही नहीं था. हाँ, कोई इश्यू नहीं है एकदम. सी आई, जैसे मैंने बोला, सिंस आई एम ऑल्सो टीचिंग, सो आई हैव नॉलेज ऑफ ऑल द पेपर्स. तो मुझे, एंड दिस इज समथिंग, ये जो मुझे ये चीज स्ट्राइक हो गया था कि भाई कुछ पॉलिसीज कभी इशू होंगे कुछ कभी, तो आई टुक मिडल ऑफ द ईयर का असम्पशन. इफ यू आर नॉट टेकिंग इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट अगेन पलक, अगर आप उसको अजम्पशंस में लिख देते हो कि क्लियरली दैट द यू आर टेकिंग, यू आर अज्यूमिंग दैट द प्रीमियम इज रिसीव्ड एट द स्टार्ट. एक्चुअली तुम ये अजम्पशन पूरा गलत है. नॉट टेकिंग मिडल ऑफ द ईयर बिकॉज आपको मंथली प्रीमियम्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको मंथली अक्यूमुलेशन करना होगा. अगर मंथली प्रीमियम्स मिल रहा है और आप पूरा 540 को 1 year के लिए अक्यूमुलेट करा रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि 540 आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर मिल रहा है. ठीक है, तो ये आई थिंक इसमें दे माइट डिडक्ट 1 mark, क्योंकि पूरा गलत हो जाएगा. एटलीस्ट थोड़ा आपको मिलेगा इफ यू डू 0.5. ये थोड़ा था ट्रिकी बिकॉज मंथली प्रीमियम है. बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ज्यादा मार्क्स 6 में 1.5 तो दे ही देंगे वैसे. यस कीर्ति, कृति. यस मैम, इवन आई डिड माय ऑडिट ट्रेल अज्यूमिंग दैट आई डिड नॉट टेक बट like a mid premiums are getting in the mid of the month, because I'm sure if I would be there in the exam it would have not struck me. So I've prepared my audit trail also like that, not making any issues. No issues. Abhi to aap log practice bhi kar rahe ho na, to maybe ye aapka third fourth paper hi hai practice mein. तो इट इज फाइन. मतलब जैसे जैसे आप और करोगे ना, वैसे वैसे अब आपको ये इस टाइप का कुछ आता है तो आपको पता है कि मिडल ऑफ द ईयर का भी एक अजम्पशन हो सकता है. ठीक है, तो वो भी ठीक है, मतलब इट्स फाइन.
वही मैंने बोला ना, 6 में एटलीस्ट 1.5 तो कुछ तो करोगे ना, कुछ तो दिखाओगे वैसा. पर ऐसा नहीं कि ब्लैंक ही छोड़ दिया पूरा, वो मत कर देना. ऑल्सो मैम, अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ का अजम्पशन नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने भी नहीं लिया राइट, तो बट उसमें क्लियरली मेंशन है यू हैव टू टेक एन अजम्पशन फॉर द प्रीमियम्स चार्ज, तो फिर उसमें आपने ऑर्डर डिटेल में कुछ मेंशन किया है? मैंने, हाँ मैंने लिखा था ना, मैंने मिडिल ऑफ द ईयर लिखा है. ओके हाँ, क्योंकि मतलब मैंने भी एक्चुअली मिडिल ऑफ द मंथ ही लिखा है मोस्ट प्रोबेबली, तभी मैंने 0.5 करा है. एज इन मैंने 0.5 भी एक अप्रोक्सीमेशन कर दिया है कि अगर आपको हर हर मंथ के मिडिल में प्रीमियम मिल रहा है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एज सेइंग दैट मिडिल ऑफ द ईयर प्रीमियम मिलता है. बिकॉज एक प्रीमियम आपको जो जनवरी मिड में मिलेगा उसको आप 11.5 मंथ्स के लिए अक्यूमुलेट करोगे, एक जो आपको दिसंबर में मिलेगा उसको आप 0.5 के लिए अक्यूमुलेट करोगे. सो इन लाइक ओवरऑल ऑन अप्रोक्सीमेटली आप सबको 6 मंथ्स के लिए वो करोगे अक्यूमुलेट. तो ये मैंने असम्पशन लिया बेसिकली. क्लियर है? ओके. अब देखो फाइनल फंड वैल्यू में मैंने क्या करा, सो आई टुक अ टॉलरेंस ऑफ 15 जान बूझ के, बिकॉज आई सॉ कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें. ठीक है, तो ये आई थिंक मैंने नीचे कुछ नहीं करा है. मैंने देखा कि लाइक अ लॉट ऑफ लॉट डिफरेंस इज कमिंग बिटवीन दीज टू वैल्यूज, एंड मेरे केस में तो आएगा भी बिकॉज मेरा जो कैलकुलेशन वो पूरा ही गलत है. बट इसीलिए 15 गया, बट 15% एक्चुअल में ना बहुत ही हाई टॉलरेंस है. यूजुअली हम 10% से ज्यादा का टॉलरेंस नहीं लेते डेटा चेक्स में, एंड 10 इज ऑल्सो लाइक द मैक्सिमम दैट आई एम सेइंग. तो मैंने उस समय मुझे जो स्ट्राइक करा कि नहीं यार इतना तो नहीं होना चाहिए, सो आई टुक अ 15. एंड एक और सबसे बड़ा मिस्टेक विच आई डिड नॉट मेक दिस एज एब्सोल्यूट, एंड मैंने बस ड्रैग कर दिया. देखो I just dragged this formula. तो ये भी आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन थिंग विथ वेयर दे माइट हैव डिडक्टेड मोर मार्क्स. आई थिंक आई वुड हैव गॉट, यहाँ पे आई वुड हैव गॉट 6 में एक जन ने 1.5 जो दिया है, मे बी दिस मार्कर वॉज एबल टू लोकेट दीज मिस्टेक्स एंड मार्कर 2 वॉज नॉट एबल टू लोकेट दीज मिस्टेक्स, कि मैंने इसको एब्सोल्यूट ही नहीं करा. ठीक है, एंड यहाँ मैंने डेटा ही गलत उठाया, मुझे करेक्शन वाला डेटा उठाना था. सो ये 2 मिस्टेक्स विच आई कुड हैव अवॉइडेड वेरी इजिली, बट सिंस आई गॉट ऑल स्ट्रेस्ड अप बाय रीडिंग द पेपर, एंड दिस इज समथिंग विच आई फील कि सभी स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, तो मैंने जो ये बेसिक चीजें हैं उसमें भी गलती कर दी. तो ये आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि यू आर वेरी काम एंड कम्पोज इन योर एग्जाम, राइट? मतलब ये दिस थिंग आई रियलाइज व्हाइल आई वॉज टीचिंग, लाइक पहले के बैचेस में व्हेन आई वाज टीचिंग दिस, मतलब कहीं भी एरर भी नहीं आया ना, कहीं भी एरर भी नहीं आया, इसीलिए आई डिड नॉट इवन रियलाइज दिस. सो ठीक है, ये 2 कॉमन 2 मिस्टेक जो करना ही नहीं चाहिए था मुझे, वो मैंने किया. नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट. सो नाउ दे आर सेइंग मेक एडजस्टमेंट्स टू द डेटा यूजिंग अ लेवल ऑफ, अच्छा दिस इज द पार्ट जो मैंने हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अ लेवल ऑफ टॉलरेंस यू कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएट. Whether results of your checks in part 1 and calculations in part 2 indicate the data may not be correct, the remaining steps can be carried out even if you have not done this part. So again, ये 4 marks का this tolerance वाला चीज है. I think इसमें तो बहुत ही कम मिला होगा. 4 में एक जन ने 1.5 दिया एंड एक जन ने 3 दिया. So can you all see, मतलब they have still given me this 3 marks and 1.5, even though मैंने गलती करा है. बिकॉज दिस इज अ पेपर जहां पे एक्चुअली इट वॉज डिफिकल्ट, तो वो कंसिडर करते हैं. 4 में आई थिंक 1.5, 3 मार्क्स आई डोंट थिंक मिलेगा, मे बी दैट मार्कर वॉज इन अ वेरी गुड मूड, बट 3 मार्क्स तो आई डोंट थिंक मिलना चाहिए. इवन आई से दैट 3 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए आउट ऑफ 4 फॉर दिस ब्लंडर, मतलब इसमें आपने एब्सोल्यूट ही नहीं करा. ठीक है, तो इस कॉलम का मे बी अगेन 1 मार्क 2 मार्क आपको मिले. हाँ, अगर आप ये सही से लेते हो टॉलरेंस मतलब फॉर्मूलाज आप सही से डालते हो, देन यू कैन से दैट आई फील तब आपको मिल सकता है 2.5-3 के अराउंड, तब आपको वो चीज मिल सकता है, क्योंकि और आंसर्स आर नॉट करेक्ट ना, तो इसीलिए 4 पूरा तो नहीं मिलेगा. हाँ, और वो टॉलरेंस तो हम लोग परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं ना, डिफरेंस. यहाँ मैंने खाली 0.15 कर दिया है,
वही मैं बोल रही हूँ कि ये पूरा मतलब व्हाट आई मेंट वाज टू टेक दिस इनटू परसेंटेज का फॉर्म, मतलब एज इन ये वाला जो है यहाँ मुझे परसेंटेज लेना चाहिए था डिवाइडेड बाय यू नो डिवाइडेड बाय मुझे करंट वैल्यू करके करना चाहिए था. ये गलत है श्रीप्रिया, ये पूरा गलत है. तभी मैं बोल रही हूँ कि इतना भी उन्होंने कैसे दिया पता नहीं मुझे. 3 तो फॉर श्योर नहीं मिलना चाहिए था मुझे, 1.5 मैक्सिमम. मतलब तो 2 मिस्टेक्स करे मैंने, एब्सोल्यूट लेके 0.15 कर दिया. तो ऑब्वियसली 0.15 का तो 0.15 से तो ज्यादा का डिफरेंस आना ही है ना. तो मैंने यही पूरा वैल्यू इसी कॉलम को उठाया. अगर आप देखो आपका मोस्टली यही कॉलम पिक हुआ है, क्योंकि भाई इतना तो डिफरेंस आना ही है, मिनिमम आपका 0.15 का तो डिफरेंस आएगा ही. ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0.15 तो हम लोग ये ले लेंगे, अदरवाइज दिस. तो आई डोंट नो हाउ बट पूरा गलत है. ठीक है, अगर हम सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन में व्हाट दे डिड इज दैट फर्स्ट दे टुक आउट द डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस भी कैसे निकाला है, द टोटल वैल्यू जो हमारा आ रहा है माइनस करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द करंट वैल्यू व्हिच इज गिवन, उसका एब्सोल्यूट टर्म्स में ले लिया बिकॉज वी डोंट वांट नेगेटिव आंसर्स, एंड उसका टेबल बना लिया. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी कैन सी दैट 5% टॉलरेंस ले लेना चाहिए बिकॉज 58% वैल्यूज आर विद इन दिस. तो इन्होंने फिर 5%, हाँ आई मीन इन शॉर्ट यू हैव टेकन ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड राइट, क्योंकि 0.15 का बहुत जगह देखो ये भी यूज हुआ है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 0.15 से तो ज्यादा आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये वाले ले ले कॉलम. सो इन जनरल मैंने ये कॉलम उठाया, वो बस फर्स्ट थ्री वैल्यूज के लिए वो कॉलम है क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हुई तो ड्रैग हो गया ना नीचे. तो मैंने एब्सोल्यूट ही नहीं, तो मैंने जो किया वो भूल जाओ, पूरा ही गलत है. इफ आई वुड हैव मेड दिस एब्सोल्यूट तब तो फिर मेरा ये कॉलम आता पूरा, जे कॉलम. Exactly, yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी मिस्टेक है. तो अगेन दिस इज समथिंग विच आई फील, अगर आप लोग ये वाला चीज नहीं भी करो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैवन डन दिस, मतलब ये कैलकुलेशन, तो भी इट्स फाइन. नाउ यू ऑल नो इफ दे आस्क यू दैट डिसाइड ऑन अ टॉलरेंस लेवल ऑन योर ओन, नाउ यू ऑल नो वॉट यू हैव टू डू. प्लीज मेंटेन अ कॉपी 1 पेज 2 पेज एंड जस्ट राइट देयर एक पॉइंट कि इफ टॉलरेंस, इफ इन डेटा चेक्स दे आस्क यू टू टेक आउट द टॉलरेंस ऑन योर ओन, मेक अ टॉलरेंस लेवल का काउंट टेबल. ये खाली लिख दोगे ना तो आपको याद रहेगा, वन लाइन जस्ट, मे बी वाइल यू नो रिवाइजिंग एंड वन डे बिफोर योर एग्जाम यू कैन ओपन अप योर कॉपी एंड जस्ट सी दैट. तो ये लाइन, एक लाइन आप लोग लिख दो उधर. तो ये एक है. हाँ सो मैम बेसिकली दे हैव टेकन 5% बिकॉज़ द मैक्सिमम वैल्यूज आर लाइंग विद इन द, हाँ 58% वैल्यूज ना, 100 एंड टोटल, तो 58% इसके अंदर है. दे कुड हैव टेकन 10 ऑल्सो बट देन 10% टॉलरेंस बहुत हाई हो जाता है. एक्चुअली टॉलरेंस शुड नॉट बी मोर देन 5 एंड एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप 10 लेते हो. ठीक है, तो 10 का एनीवेज कोई फायदा नहीं क्योंकि खाली एक ही क्लेम है जो 5 मतलब 5 और 10 के बीच में, तो इसीलिए इट्स बेटर 5 ही ले लिया. तो अगेन ये आप लोगों को करना है. देन ये हो गया गारंटीड का कॉस्ट, मैंने कैसे निकाला आई डोंट नो. पहले बार क्वेश्चन रीड करते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट गारंटीड वैल्यू इन द सैंपल, एस्टिमेट द टोटल एक्सेस ऑफ द गारंटी ओवर द करंट वैल्यू फॉर ऑल 8000 पॉलिसीज. दोज हू हैव सोल्ड दिस, आप लोगों ने इंटू 800 किया है क्या, इंटू 80 किया आप लोगों ने, क्योंकि दिस इज समथिंग विच किया ना, आंसर देख के किया. यस हाँ, तो आई ऑल्सो स्किप्ड दिस बट मैंने कर दिया था एंड में, मैंने आई थिंक क्वेश्चन पेपर रीड किया था दोबारा, तो मैंने कर दिया था आई गेस, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने किया था. पैरामीटर्स में आई थिंक आई हैव टेकन दिस, देखो 8000 आई हैव टेकन, सो आई डिड दिस. बट अगेन हो सकता है आपको एग्जाम में कर जाए स्ट्राइक, कभी लग रहा है कि नहीं करेगा बट हो सकता है कर जाए. सो अगेन ये करंट वैल्यू उठा लिया यहाँ से, ये इसी शीट का मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया
एंड सो बेसिकली लेट्स फर्स्ट सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन हमने ऑल्दो कर लिया, कल डिस्कस कर. गारंटीड वैल्यू इज यूजिंग दैट फॉर्मूला एंड देन कॉस्ट ऑफ गारंटी इज गारंटीड वैल्यू माइनस द फंड वैल्यू एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ जीरो करने, क्योंकि इट कैनॉट बी मोर देन दैट, इट कैनॉट गो नेगेटिव. बेसिकली ये हो गया कॉस्ट ऑफ गारंटी इज परसेंटेज के फॉर्म में इज कॉस्ट ऑफ गारंटी डिवाइडेड बाई द फंड वैल्यू. सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गारंटी, ये निकाल लिए. ठीक है, दिस इज पार्ट फोर का, पार्ट थ्री का ए, फोर का ए. ठीक है, एंड सेम वॉट आई डिड इन माई पेपर. पहले तो मैंने गारंटीड वैल्यू निकाल लिया. इफ यू सी गारंटीड वैल्यू इज नॉट मैचिंग अगेन बिकॉज इट विल नॉट मैच बिकॉज इनका जो सोल्यूशन है, इनका जो इन्होंने ये ले रखा है जे, इसमें अच्छा इन्होंने भी माइनस वन तो कर रखा है, बट आई डोंट नो व्हाई माय मे बी इसमें भी मैंने कुछ फॉर्मूला मिस्टेक करा है. हम अपने n की वैल्यू कैसे लिया अपने वाले में, इसमें जो रेज़ टू द पावर n था, मैंने किया है 2019 माइनस 2004 व्हिच इज 15 इयर्स. 15 इयर्स माइनस वन, नहीं 15 इयर्स ही लिया मैंने तो. बट एक सेकेंड, इफ आई जस्ट चेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज सब्ट्रैक्टेड लाइक बोथ द डेट्स, लाइक सिर्फ ईयर सब्ट्रैक्ट नहीं किए पूरा, क्योंकि इसमें हम लोग I-12 यूज किए ना, तो उससे डिफरेंस आ जाता है शायद. पी इंटू 12 बेसिकली ये पूरा आपका एनुअल प्रीमियम ही हो गया. 1 प्लस I-12 जो निकाला है टू दी पार एन, देयर फॉर एन ईयर पॉलिसी बोल रहा है, सो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज द योर टर्म वाला कॉलम आई गेस, है ना. सो दे हैव सब्ट्रैक्टेड वैल्यूएशन डेट माइनस स्टार्ट डेट. हाँ हाँ वही होगा, हाँ वही होगा ना. 2019 पे निकाल रहे हो, 2019 पे निकाल रहे हो. इन्होंने भी तो सेम, मैंने भी वही करा है इसमें भी. अरे कहाँ गया दिस वन. ओ दे हैव टेकन एन अजम्पशन ऑफ दिस 365 डेज वाला, क्योंकि I-12 है राइट, I-12 है मतलब मंथली है तो. बट फिर ये गलत है, ये तो 12 होना चाहिए था फिर. नो वो डेज में आ जाता है, वैलिडेट माइनस D5. अच्छा ये वाला नंबर ऑफ डेज आ जाता है ना. करेक्ट, हाँ बिकॉज पूरा डेट माइनस कर रहे हैं और मैंने ईयर माइनस करा है. स्ट्रेट अवे आई हैव टेकन 2019 माइनस 2004. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन द डेट्स, मतलब इन्होंने वैल्यूएशन डेट पूरा 31 दिसंबर 2019 माइनस 12-11-2004 पूरा वो करे, सो उससे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा एंड देन यू डिवाइडेड बाय 365. दिस इज बेसिकली टेकिंग ईयर ओनली, मतलब आप उसको ईयर में आपने कर दिया है चेंज बाय डिवाइडिंग इट बाय 365.25. सो अगेन यहाँ पे भी माय आंसर वाज डिफरेंट बिकॉज ये ईयरली ही किया है. इफ यू जस्ट डू दिस वैल डेट माइनस, जस्ट टेक दिस फिगर, तो नहीं इसको मुझे नंबर, सो इट्स 5527 डेज डिवाइडेड बाय 365.25 विल एक्चुअली यू नो गिव यू द नंबर ऑफ योर्स. सो 15.13 इयर्स के लिए अक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है, और मैंने योर किया मतलब मैंने सीधा 15 किया है, मैंने 15.13 नहीं किया, इसीलिए सिमिलर आंसर है बट नॉट सेम. 9637 आया, मेरा आया 95. यहाँ पे भी सिमिलर आ रहा है मेरा बट नॉट सेम बिकॉज मैंने ये पॉइंट्स नहीं लिया, मैंने खाली योर योर माइनस करा है. 2019 माइनस 4, 2019 माइनस 1994 एंड सो ऑन. ठीक है, एक्सेस कॉस्ट मैंने कैसे निकाला है, दिस माइनस दिस, बट मैंने परसेंटेज नहीं निकाला. ठीक है, तो आई शुड हैव टेकन आउट द परसेंटेज ऑल्सो. अगेन आई हैव डन अ चेक, ये सेल्फ चेक है क्योंकि हमें एटलीस्ट 4-5 सेल्फ चेक देने होते हैं.
that this, if this is greater than this, can your cost of guarantee be greater than the guaranteed value? No, it cannot. So I've just taken an assumption check that this should be greater than this. मतलब अगर ये है तो ये चेक करो, अगर नहीं है देन द डेटा इज ओके. ठीक है, तो ये मैंने करा है इधर. आई डोंट नो, इन्होंने सेल्फ चेक ज्यादा नहीं दिए, इन्होंने ज्यादा सेल्फ चेक्स नहीं दिए. सो दिस इज समथिंग जो मैंने चेक में दिया है. ओके, आप लोगों ने क्या किया है? एनीथिंग डिफरेंट यू हैव डन ओवर हियर? मैं मतलब प्रीति को हेड. So even I have taken direct year, like I didn't do it 365.25. हाँ, तो वो basically, and Shripriya, how have you done it? I took the difference because it was I-12, so I took. मतलब divide by 365 नहीं किया? हाँ, किया किया. Oh, ठीक है, very good. Then you will get good marks over here. तो ये वाला चीज हो गया. अब मैंने क्योंकि they have asked for, you know, ये हो गया total cost. मैंने उसको multiply कर दिया है with 80. So it's basically मैंने क्या किया है, this value multiplied by the total policies which is 8000 divided by total excess cost. अच्छा, ये मैंने शायद total ले लिए इधर which is 100. ठीक है, मैम, आई जस्ट डिड वन चेक हियर की रिमेनिंग टर्म, लाइक आई जस्ट चेक दैट नथिंग इज ग्रेटर देन 30 और लेस देन 1. तो चेक तो ऑलरेडी कर रखा है ना पर इन द डेटा चेक्स पार्ट. या तो फिर सेम चेक तो गलत हो जाएगा ना. बट मैम, यू वी आर चेकिंग, वी आर अप्लाइंग अ फॉर्मूला अगेन नो फॉर द रिमेनिंग टर्म, तो उसके लिए कि कहीं. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वैसे कर लो. रिमेनिंग टर्म कैन नॉट बी मोर बिटवीन 0 and 30. ठीक है, कर. हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं. वन मोर थिंग आई चेक, जो फंड वैल्यू व्हाट वी आर यूजिंग एट द एंड, दैट आई जस्ट चेक इफ इट like falls in a particular range. So matlab maximum of that falls in a particular range. Example, mera maximum 1,90,000 something aaya. So I just took the maximum premium paid jo hai wo 6,000. Achha, haan. You took a maximum, khud se you took out the maximum value. Haan. 6,000 into 1. जो भी फॉर्मूला लगा के. हाँ ठीक है, कर सकते. बट आई फील वो चेक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऑडिट ट्रेल में समझाने. मतलब इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन दैट चेक. अगर वो इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट क्विकली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कर सकते. ऑफ एनी अदर चेक्स या कर सकते हैं. मैंने ये एक चेक डाला है, मैंने यहाँ पे एक चेक डाला है दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस. ऑब्वियसली होगा, बहुत ही स्टूपिड चेक है, बट अगेन कुछ भी नहीं स्ट्राइक करेगा एग्जाम में, तो हम लोग को ये सभी चेक्स देने होंगे. तो आई फील ठीक है, हम लोग और क्या दे सकते हैं शीपे यहाँ पे. दिस इज 100, यू कैन गिव दैट दिस काउंट शुड बी इक्वल टू 100. एंड मतलब इट डिपेंड्स कि आप दे ही सकते हो कुछ भी. मैंने मैक्सिमम मिनिमम ये तो निकाला है फॉर अदर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ठीक है, ओके. इसके बाद ये वाला हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, लेट्स क्विकली सी. एस्टिमेट द टोटल एक्सेस ऑफ गारंटी ओवर द करंट वैल्यू फॉर ऑल 8000 पॉलिसीज.
आई थिंक यहाँ नहीं, डेटा एनालिसिस में किया है क्या? अच्छा, तो ये जो टोटल एक्सेस है ना, ये टोटल एक्सेस ये डिवाइड करके करना था, समझ रहे हो? ऐसे डिवाइड, अलग जो तीन बैंड्स थे ना, ईयर ऑफ एंट्री, मेच्योरिटी एंड टर्म, लाइक द फंड वैल्यू, जो तीन बैंड्स थे वो तीन बैंड्स में डिवाइड, मतलब तीन मेथड्स थे वो तीन मेथड्स में आपको डिवाइड बांट के अपने सॉल्यूशन को, फिर आपको निकालना है टोटल एक्सेस। आई फील वही करना है, बिकॉज इसके बाद वाला है प्रोड्यूस समरी टेबल्स दैट ग्रुप द पॉलिसीज एंड कॉस्ट ऑफ गारंटी। आई डोंट नो व्हाई टोटल एक्सेस ओवर ऑल टू 8,000 इन्होंने क्यों नहीं निकाला। ये वाला आंसर 1 का 4 का B, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गारंटी पर पॉलिसी, इसका 1 मार्क मिल रहा है, एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इनटू 80। ये क्यों नहीं किया इन्होंने? हाउ मच हैव आई गॉट इन दिस पार्ट? देखो, 4 में से आई हैव गॉट एनालिसिस 4 एंड किया हुआ है तो ये हाँ वो डेटा एनालिसिस में ही जो फुल फुल कॉस्ट है वही वाला है ना। अच्छा, ये वाला हाँ, क्योंकि ये तो सेम है, ठीक है, मतलब ठीक है, बट अगर आप उसको अलग से दिखा देते इन दिस शीट ओनली तो बेटर रहता। आई फील सोल्यूशन में ऐसे इन्होंने अलग अलग, सेम आंसर ही आएगा, बट ठीक है। सो व्हाट दे हैव डन, ये मल्टीप्लाई बाय 80 करे। नाउ यू ऑल कैन सी, इवन दो माय आंसर इज पूरा गलत है, देख रहे हो? ये चीज जो आ रहा है, मेरा मेरा जो टोटल एक्सेस आ रहा है 15 लाख समथिंग, एंड इनका आ रहा है 3 लाख समथिंग, सो इतना डिफरेंस है, स्टिल आई गॉट 4 में 3 एंड एक जन ने 4 में 4 दिया बिकॉज ऑफ द मेथड। सो व्हाट दे सी, अगर आपका पहले का पार्ट गलत है, उसको वो गलत मान के, उसको वो गलत, वहां पे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो गया इधर, उसको उसका जो आंसर है उसको सही मान के वो आगे का पार्ट चेक करते हैं, तो 4 में 4 मिला है, इवन दो मेरा आंसर इज नॉट मैचिंग। मेरा 15 लाख आ रहा है, इनका 3 लाख आ रहा है, मैंने इनटू 80 करा, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। देख लो इधर इन्होंने लिखा है, अगर आप इनटू 80 करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है। कॉस्ट ऑफ गारंटी पर पॉलिसी का फॉर्मूला अगर आपका सही है, जो कि मेरा सही है, विच इज द गारंटी वैल्यू माइनस द फंड वैल्यू का मैक्सिमम, कीपिंग द मिनिमम लेवल ऑफ 0, तो आपको मार्क्स मिलता है। एंड कैलकुलेशन ऑफ गारंटीड वैल्यू, इसमें आई थिंक एग्जामिनर 1 डिडक्टेड 1 मार्क फॉर मी, एग्जामिनर 2 सॉरी, अदरवाइज इसका भी इन्होंने फुल दिया है, इवन इफ आई हैव जस्ट टेकन 2019 माइनस 2004, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया, डिवाइडेड बाय, मतलब एग्जैक्ट डेट्स मैंने नहीं कंसिडर किया। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोड्यूस द समरी टेबल्स दैट ग्रुप द पॉलिसीज एंड द कॉस्ट ऑफ गारंटी बाय द 3 ग्रुपिंग ऑप्शंस जो है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस देयर सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या करा है देखो, सो बेसिकली अगेन ओवर हियर वी हैव, सो यहाँ पे इन्होंने डेटा फील्ड्स ले लिया, दे हैव टेकन द ईयर, दे हैव टेकन द आउटस्टैंडिंग टर्म। आउटस्टैंडिंग टर्म का कैलकुलेशन भी देखो क्या किया है, D5 इज द दिस डेट टर्म बेसिकली, ठीक है, टर्म जो टोटल टर्म ऑफ द पॉलिसी है माइनस वैल डेट माइनस द डेट ऑफ इश्यूएंस, तो 2019 पूरा वो जो एग्जैक्ट आएगा डेट 31 दिसंबर 2019 माइनस ये वाला 12/11/2004, ठीक है, डिवाइडेड बाय 365.25, तो ये पूरा एग्जैक्ट लिया है। और मैंने कैसे किया है, सिंपल 2019 माइनस 2004 कर दिया, बट दे हैव टेकन एग्जैक्ट, तो आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ अस ओनली श्रीप्रिया वाज एबल टू डू दिस, एम आई राइट? बिना सोल्यूशन के किया ना ये? मैम आई जस्ट सॉ दी लाइक दी हेडिंग्स बट आई कैलकुलेटेड फॉर्मूला ऑन माई ओन। ठीक है, तो दिस मतलब एटलीस्ट समवन कुड डू इट, ऐसा नहीं कि भाई कोई नहीं है जो ये नहीं कर पाए, समवन कुड डू इट, ठीक है, एंड देन राउंड इट अप टू 0। सो बेसिकली क्योंकि डेसिमल्स में अगर आ रहे हैं तो आप उसको नेक्स्ट राउंड ऑफ कर दो। तो ये पूरा इन्होंने निकाला है आउटस्टैंडिंग टर्म, बिकॉज अगर ये पॉलिसी इश्यू हो रहा है 12/11/2004.27 इसका ईयर्स है, तो ये कब जाके खत्म होगा, 2000 ट्वेंटी
नहीं 2031 में खत्म होगा, तो खाली हमें चाहिए कि अब 2019 के बाद कितना रिमेनिंग है, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डेसिमल्स एंड ऑल्सो राउंडेड अप. एंड फंड बैंड कैसे लिया, देखो इन्होंने यहाँ पे बनाया है फंड बैंड, यहाँ लिया है, सो दे सेड कि 10 बैंड में डिवाइड करने. इफ यू रिमेम्बर द क्वेश्चन, इन्होंने दे हैव सेड दैट यू हैव टू डिवाइड द एंटायर थिंग इन टू 10 बैंड, 10 फंड साइज बैंड. वॉट आई डिड एंड आई थिंक आप लोग भी, मे बी सम ऑफ यू हैव डन दिस, फंड वैल्यू टू यूज का मैक्सिमम मिनिमम निकाला एंड फिर मैक्सिमम मिनिमम को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. बट वॉट दे डिड इज दैट आई थिंक टुक, जैसे मिनिमम आपका आ रहा है 3700, सो आई थिंक दे टुक 3000 एट मिनिमम. देख लेते हैं इधर जाके डेटा एनालिसिस में. हाँ दे टुक, इट्स 20,000 ओनली, सो बेसिकली 1,92,000 इज द मैक्सिमम समथिंग. तो उसको अगर इफ यू टेक 2,00,000 एंड 2,00,000 डिवाइडेड बाय 10, सो 20,000 साइज. तो इन्होंने पैरामीटर्स में दे हैव टेकन अ बैंड साइज ऑफ 20,000. तो इन्होंने 0 टू 20,000, 20,000 टू 40,000 वैसे किया ना. यस मैम. फंड साइज बैंड इधर है एंड दे हैव टेकन, दे हैव कैलकुलेटेड इट दिस वे कि अगर आपका ये जो फंड वैल्यू है, दिस फंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है, एंड राउंडेड अप टू टू, राउंड डाउन टू जीरो, तो बेसिकली ये वाला आ जाएगा आपका 0 point something. तो जीरो हो गया, 0 + 1, 1. ये फंड साइज बैंड में, फंड बैंड आपका 1 में आ गया. और ये वाला डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 20,000 करें तो ये आ रहा है 8 point something. तो राउंड डाउन मतलब 8 + 1, 9. तो ये बेसिकली आपका हो गया लास्ट, आपका बैंड साइज क्या आएगा, लास्ट बैंड साइज क्या आएगा, 1,80,000 to 2,00,000. दैट इज फंड बैंड 10. 9 विल बी 1,60,000 to 1,80,000. तो ये 1,60,000 to 1,80,000 के बीच में तो ये फंड बैंड 9 में चला गया. तो ऐसे करके दे हैव टेकन आउट द बैंड्स, कौन से बैंड में कौन सा जाएगा. गॉट इट? कोई डाउट है इसमें कि कैसे इन्होंने ग्रुपिंग करा है? मैम राउंड अप करने से भी सेम ही चीज हो रहा है, मतलब सब कॉम्प्लिकेटेड. राउंड डाउन करके प्लस वन, राउंड डाउन प्लस वन तो इसीलिए किया है ना कि ये 0 point something है. तो आप जब राउंड अप करोगे तो वो 1 ही नहीं जाता है. हाँ आंसर सेम आएगा क्योंकि 0.66 है फॉर एग्जाम्पल, या 0.3, तो वो 1 नहीं होगा, वो 0 जाएगा. राउंड अप में 1 हो जाएगा. एनीथिंग बिटवीन 0 टू 1. सो हैव यू एडेड 1 व्हेन यू यूज राउंड अप? नो. तब ठीक है. सेम थिंग, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये हो गया आपका. ये हो गया नेक्स्ट. व्हाट, एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे डेटा एनालिसिस पूरा शीट एक बार क्विकली समझ लेते हैं, देन आई मूव टू व्हाट आई डिड. तो ये आपके डिफरेंट ईयर्स हो गए, 1990 से आपका पॉलिसी इशू है 2010 तक. टोटल सीओजी इज कॉस्ट ऑफ गारंटी, ये समिफ करके किया है फॉर ऑल दोज इश्यूएंस ईयर. देख लो समिफ किसका समिफ किया है, कॉलम ए एस का. कॉलम ए एस इज दिस, इसका नहीं सॉरी, ये आपका वो हो गया इफ कंडीशन कि इफ द ईयर इज 2004 या 1990 वॉट एवर, देन यू नीड टू सम कॉलम ए क्यू. कॉलम ए क्यू इज द कॉस्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, वेरी सिंपल. देन इसके बाद का प्रोसेस क्या बोला था इन्होंने, आपको चेक करना है, आपको निकालना है कि कितने बैंड्स में एक्चुअल में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गारंटी, उसका एवरेज लेना है.
एंड दैट अपलिफ्ट परसेंट विल बी अप्लाइड टू ऑल द पॉलिसीज इन दिस पर्टिकुलर बैंड. फॉर एग्जाम्पल 1992 में लेट अस सपोज 10 पॉलिसीज है टोटल. फॉर एग्जाम्पल अब 10 पॉलिसीज में से देर आर 3 पॉलिसीज जो जिसमें कॉस्ट ऑफ गारंटी हमें देना पड़ रहा है, ठीक है. एंड दिस कॉस्ट ऑफ गारंटी लेट अस सपोज एक का आपका आ रहा है 5%, 6%, 3%, व्हाटएवर, उसका आपको क्या करना है, एवरेज लेना है. उसका एवरेज आया 4%. तो ये 4% अपलिफ्ट सारे 10 पॉलिसीज को मिलेगा विच इज इश्यूड इन 1992. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई होना है. एनीवन हुज डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? मैम कुड यू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम? देखो 1993 में लेट्स सपोज वी हैव 10 पॉलिसीज, ठीक है. अब 10 में से मतलब इस बैंड में कि 1993 ईयर में 10 पॉलिसीज इशू हुए थे. नाउ आउट ऑफ दीज 10 पॉलिसीज लेट्स सपोज 3 पॉलिसीज आर 3 पॉलिसी का जो करंट फंड वैल्यू है इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ गारंटी. बाकी सबका कॉस्ट ऑफ गारंटी के सॉरी गारंटी वैल्यू के ऊपर है. तो खाली 3 पॉलिसी में आपका कॉस्ट ऑफ गारंटी आएगा ना, बाकी में तो जीरो आएगा. यस और नो? यस मैम. अब वो गारंटी परसेंटेज निकाला है, मतलब दिस परसेंटेज कॉस्ट ऑफ गारंटी का, वो 3 पॉलिसी का आएगा, बाकी सबका जीरो आएगा. तो जिसका 3 पॉलिसी का कॉस्ट ऑफ गारंटी परसेंटेज आया, उन तीनों परसेंटेजेस का आपको एवरेज लेना है. फॉर एग्जाम्पल दैट एवरेज इज कमिंग एज 4%. अब ये 4% परसेंटेज अपलिफ्ट आप ये सारे 10 पॉलिसीज को दोगे. इवन दो 7 पॉलिसीज वर अबव योर कॉस्ट ऑफ गारंटी, बट क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 8,000 पॉलिसीज को इंडिविजुअली सबको परसेंटेज अपलिफ्ट दो कि तुमको मिल रहा है 5%, तुमको मिल रहा है 6%, तुमको मिल रहा है 5%, ऐसे आप नहीं करोगे. तो आप सारे 10 को एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपलिफ्ट दे दोगे. क्लियर है मैम? हम्म. लाइक एक रीजनेबलनेस चेक क्राइटेरिया दैट वो अपलिफ्ट के बाद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गारंटी से ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट. हाँ. ऑब्वियसली क्योंकि 3 के बदले आप 10 को दे रहे हो. 10 को दे. हाँ. वो तो होगा. वेरी गुड. वो कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका. नाउ कॉस्ट ऑफ गारंटी कैसे निकाला है देखो. सो एवरेज इफ फंक्शन यूज करके पहले तो ए आर कॉलम में क्या है. ए आर कॉलम इज द कॉस्ट ऑफ गारंटी, ठीक है. कॉस्ट ऑफ गारंटी वाले कॉलम को हम परसेंटेज का एवरेज निकालना है. तो इसका एवरेज निकालना है. कंडीशन क्या है दैट ए एस शुड बी A7, मतलब ईयर आपका 1990 होना चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट योर कॉस्ट ऑफ गारंटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जहां जहां पे भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज जीरो 1990 में शो है, दिस इज जीरो. तो जो जो जीरो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे. जो जो आपका कॉस्ट ऑफ गारंटी परसेंटेज जीरो के ऊपर है एंड जो भी ईयर 1990 में इशू हुआ है, खाली वो 3 पॉलिसी, मतलब वो 3 पॉलिसी का आपको एवरेज लेना है. अब हो सकता है कि यहाँ एरर आए. एरर कब आ सकता है? जब ऑल द 10 पॉलिसीज आर लेस देन जीरो. तो आपका एवरेज किसका निकला? किसी का एवरेज नहीं निकला. तो एवरेज इफ विल थ्रो एन एरर एंड सिंस इट इज थ्रोइंग एन एरर यू विल जस्ट राइट इफ एरर जीरो. कि अगर कोई पॉलिसी है ही नहीं 1990 में, अगर कोई पॉलिसी 1990 में जीरो के ऊपर है ही नहीं, तो इट विल गिव यू एन एरर. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एरर यू आर गेटिंग अ जीरो. तो ये आपका हो गया एवरेज, मतलब 1995 में जितने भी पॉलिसीज हैं जिनका कॉस्ट ऑफ गारंटी इज अबव जीरो उसका एवरेज आ रहा है 5.7. तो इन सारे पॉलिसीज को हम लोग 5.7 का अपलिफ्ट देंगे. देख लो अपलिफ्ट परसेंटेज को इंक्लूड करके इफ परसेंटेज इज अप्लाइड क्या कर रहे हैं हम लोग. दिस वैल्यू बेसिकली C9 दिस अपलिफ्ट इनटू किस पे अपलिफ्ट देना है, जो आपका करंट फंड वैल्यू है उस पे. तो ये आपका AS वाला सम इफ ऑल द 1992 का वैल्यूज एंड ये आपका हो गया
फंड वैल्यू दैट यू हैव चोजन विच इज कॉलम एओ. तो इस फंड वैल्यू का जो आपने चूज किया है इस पे आप एक अपलिफ्ट दे रहे हो 2.9% का, 2.9% इनटू द फंड वैल्यू, 4.1% इनटू द टोटल जो भी आपका फंड वैल्यू. सो दिस इज द फाइनल अमाउंट विच यू आर पेइंग टू ऑल द 100 पॉलिसी होल्डर्स. दिस इज द अमाउंट, दिस इज द कॉस्ट बेसिकली. ठीक है, ये अमाउंट आपको इनको पे करना है और इसका टोटल निकाला 400 इंटू 80 कर दिया फॉर द एंटायर 8,000 पॉलिसीज. इज दिस क्लियर? देख लो. मैम इफ इट टेक एन एवरेज इफ एंड बिकॉज एरर नहीं आ रहा है तो दैट विल बी करेक्ट. That will be considered to be correct. हाँ ठीक है, अगर नहीं डालते हो इट्स फाइन, दे विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स, इट इज फाइन. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गारंटी बाय टर्म टू मेच्योरिटी, तो ये एक तरीके का ग्रुपिज्म हो गया. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे टेस्ट करा है दैट वेदर दिस ऑल द कॉस्ट्स ऑफ गारंटी इज इक्वल और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द बैंड साइजेस, बिकॉज एट द एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ गारंटी हर एक उसमें. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ टर्म टू मेच्योरिटी के लिए टर्म्स ले लिया पहले 1 से लेके 19 तक ही जाएगा ऑब्वियसली. व्हाई 1 से लेके 19 तक जाएगा, कैन एनीवन टेल मी? मैक्सिमम टर्म टू लेफ्ट वाज 19 ओनली. करेक्ट. सो एंड दैट इज, मतलब देखो आपका फर्स्ट आपका लास्ट पॉलिसी इशू हो रहा है 2010 में एंड उसका मैक्सिमम जा सकता है 30 इयर्स, तो वैसे भी आप कैलकुलेट करके ले सकते थे, वो 0-0 आता है एंड में अगर वैसा नहीं आया. So total cost of again the same method but now you're using a function on this term. So basically इस term पे लगा रहे हैं, कहाँ गया, outstanding term पे निकाल रहे हैं. ठीक है, same चीज है, same average function है, same आपका multiply कर दिया and यहाँ पे same calculation into 30 into 80 sorry and then fund band 10 bands है. Again the total cost of guarantee on the basis of the band size, average increase, परसेंटेज इंक्रीज डिपेंडिंग कि आपका फंड वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ गारंटी एंड इफ द परसेंटेज इज अप्लाइड 5.9% इनटू सम ऑफ द एंटायर थिंग. तो ये आपका आ रहा है पूरा क्या बोलते हैं सारा तीनों डिफरेंट बैंड्स. नाउ इफ आई जस्ट क्विकली शो यू ऑल ये वाला मैंने क्या करा था. सो मैंने नॉट गुड सोल्यूशन ऑब्वियसली. सो वॉट आई डिड इज यहाँ पे देखो योर योर वाला ले लिया सारा योर्स फ्रॉम 1990 टू 2010 जब भी इशू हुआ है. एवरेज मैंने सीधा कॉस्ट ऑफ गारंटी निकाला है. ऑल्दो दे सेड एवरेज ऑफ परसेंटेज, मैंने एवरेज ऑफ परसेंटेज नहीं निकाला, मैंने एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गारंटी निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ इशू. देन दिस इज द फंड वैल्यू, एवरेज फंड वैल्यू ऑफ ऑल द पॉलिसीज इशूड इन योर 1990 given, देख लो मैंने निकाला है एवरेज कॉलम एल का बेसिकली. कॉलम एल दिस फाइनल करंट, इसका मैंने करंट वैल्यू का एवरेज निकाला है गिवन पॉलिसी इशूड इन 1990 एंड द कॉस्ट ऑफ गारंटी इज द एक्सेस कॉस्ट इज ग्रेटर देन जीरो. खाली उन्ही वैल्यूज का मैंने एवरेज निकाला है एंड यहाँ पे एवरेज निकाला है कॉस्ट का एंड देन सम ऑफ परसेंटेज अपलिफ्ट कैसे निकाला, दिस बाय दिस. सो इट्स सिमिलर बट यहाँ इंस्टेड ऑफ डूइंग अ परसेंटेज अपलिफ्ट ऑफ मतलब टेकिंग ऑन द एवरेज ऑफ द परसेंटेज, मैंने परसेंटेज अलग से निकाला है. कैसे, पहले मैंने एवरेज कॉस्ट ऑफ गारंटी, सो दिस इज नॉट करेक्ट, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स. एंड सेम आई डिड फॉर अगेन, मैंने एक एक करके निकाला है हर एक तीनों प्रपोजल का.
तो ये हो गया एंड देन इसमें मैंने निकाला टोटल फंड वैल्यू बिफोर एनी अपलिफ्ट. सो बेसिकली आई डिड अ सम ऑफ दिस कॉलम एल बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इशू. देन टोटल फंड वैल्यू आफ्टर अपलिफ्ट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. ठीक है. एंड देन टोटल अपलिफ्ट कॉस्ट विल बी बेसिकली दिस माइनस दिस इज द अपलिफ्ट कॉस्ट. ऐसे मैंने ओवरऑल अपलिफ्ट कॉस्ट निकाल दिया. आई डिड नॉट मल्टीप्लाई इट बाय 80 एंड आई चेक्ड दैट दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द टोटल एक्सेस विच इज ये वाला. देखो ये वाला टोटल एक्सेस जो भी कॉस्ट आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन द टोटल एक्सेस बिकॉज ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, आप सारे पॉलिसीज को दे रहे हो, ऑल द 10 पॉलिसीज को आप परसेंटेज अपलिफ्ट दे रहे हो, देना चाहिए खाली 3 पॉलिसी को, वैसा वो सेम एग्जाम्पल. तो जो अभी श्रीप्रिया ने बोला सिमिलर काइंड ऑफ रीजनेबलनेस चेक और सेल्फ चेक इज व्हाट आई आल्सो डिड इज दैट द पर्सन द टोटल अपलिफ्ट कॉस्ट शुड बी हायर देन द टोटल एक्सेस बिकॉज आप ज्यादा प्रोवाइड करें. नाउ दिस इज समथिंग विच आई डिड फॉर ऑल द समरी, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म को लेके एंड यहाँ पे बैंड्स को लेके. पहले मैंने एवरेज कॉस्ट निकाला, एवरेज फंड वैल्यू, परसेंटेज अपलिफ्ट, बिफोर अपलिफ्ट मल्टीप्लाई किया एंड टोटल अपलिफ्ट कर दिया, कॉस्ट कर दिया एंड देन एड ऑफ टोटल. सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड लेट्स सी हाउ मच दे गेव मी. दिस इज पार्ट आई थिंक 5 या 6, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 टुगेदर. ठीक है, ये दोनों साथ में है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5. तो पार्ट 4 नहीं, आई एम सो सॉरी, पार्ट 5 एंड पार्ट 6. पार्ट 5 के लिए 4 में 2 एंड 2.5 मिल रहा है क्योंकि वो ग्रुपिंग मैंने सही से नहीं किया है. एंड इसमें एक एग्जामिनर ने 1 दिया बिकॉज ऑब्वियसली अगेन द कैलकुलेशन इज रॉन्ग. आई शुड हैव कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ परसेंटेज. मैंने अलग अलग एवरेज निकाला, मतलब आई टुक द एवरेज ऑफ कॉस्ट, एवरेज ऑफ द फंड वैल्यू, उसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाला, विच इज रॉन्ग. आंसर गलत आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा. ऑब्वियसली आप एक परसेंटेज का एवरेज लेते हो और एक आप पहले न्यूमरेटर का एवरेज, डिनोमिनेटर का एवरेज अलग अलग ले रहे हो, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम. तो दिस इज व्हाट आई गॉट, एक में 2.5 एंड एक में ऐसे 1. ठीक है. एंड लास्ट पार्ट इज ऑब्वियसली योर प्रोड्यूस अ सूटेबल चार्ट. सूटेबल चार्ट में इफ यू सी आई गॉट 3 में से 3. सो आई फील वट एवर यू डू यू कैन नॉट स्कोर, मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्कोर लेस मार्क्स इन द चार्ट. एटलीस्ट चार्ट इज समथिंग विच यू शुड गेट फुल मार्क्स इन. ठीक है. सो लेट्स सी वॉट दे हैव मेड. तो इन्होंने किसका चार्ट बनाया है. दे हैव आस्क्ड अस टू मेक अ चार्ट ऑफ द रिजल्ट इन पार्ट 4B विच इज द टोटल एक्सेस एंड जो आपका सेपरेटली तीनों समरीज में एक्सेस आ रहा है. सो दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट. अगर आप देखो B30 एक्चुअली ये वाला टोटल एक्सेस डिवाइडेड बाय 1000 किया बिकॉज दे हैव डन इट इन थाउजेंड्स. अगर आप नहीं भी करोगे इट्स फाइन. ईयर ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग, टर्म ऑफ मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग, बेसिकली ये सारा टोटल एक्सेस कॉस्ट आपका कितना आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग द परसेंटेज अपलिफ्ट एंड ऑब्वियसली दीज विल बी हायर देन दिस. ये आपका एक रीजनेबलनेस चेक भी हो सकता है, श्रीप्रिया मेंशन वेरी वेरी लाइक करेक्टली मेंशन. सो ये आ रहा है. नाउ इसका आप अगेन एक रीजनेबलनेस चेक दे सकते हो विच आई विल वॉन्ट यू ऑल टू डिस्कस. उसके पहले लेट्स गो एंड सी व्हाट आई डिड. आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग. दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गारंटी. ठीक है. एंड दीज आर व्हाट आई एम गेटिंग. ऑल राइट. प्रॉपरली हमें इन डेप्थ तो ग्राफ के बारे में नहीं डिस्कस करना होगा ना. नहीं 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 नहीं, क्यों, ऑडिट ट्रेल में नहीं डिस्कस करते. रीजनेबलनेस चेक के फॉर्म में 2-3 रीजनेबलनेस चेक्स लिखते हैं, कंक्लूजन रिजल्ट जैसा कुछ नहीं लिखते. ओके ठीक है. सो वी हैव डिस्कस द स्प्रेडशीट. आई जस्ट वॉन्ट टू क्विकली डिस्कस द सेल्फ चेक एंड रीजनेबलनेस चेक. आई टेक जस्ट
3-4 मिनट्स का ब्रेक अभी हो रहा है 10:37, लेट्स अगेन ज्वाइन इट एट 10:45, हम हाफ एन आवर 40 मिनट्स में पूरा डिस्कस कर लेंगे ऑडिट ट्रेल एंड एवरीथिंग. सो 10:45 लेट्स टेक अ 5-7 मिनट्स ब्रेक. ठीक है.